अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईमेल मार्केटिंग का ये टूल है जिसमें आप जो है वो कंपोज कर सकते हैं अपने मैसेज वगैरह को। तो टिनी लेटर इस वेबसाइट का नेम है। तो आपने सबसे पहले साइन अप कंप्लीट करना है, देन इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अपना जो है वो आप नेम वगैरह एंटर कर सकते हैं। एंटर करने जो आप मैसेज वगैरह सेंड करना चाह रहे हैं कोई मैसेज वगैरह, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना। मैं जिस तरह लिख देता हूँ, माई नेम इज नुमान एंड माई फादर नेम इज फरियाद अली। इस तरीके से आपने जो है वो मैसेज सब्जेक्ट आपने सबसे पहले लिखना है। इससे आप जो है वो मेक लेटर पब्लिक भी बना सकते हैं। अगर यहाँ से क्लिक करते हैं तो मेक पब्लिक बनेगा, अगर नहीं तो आप डिपेंड करते हैं, ये बनाना है। इसके बाद अगर चाहते हैं कि आप हमारा जो है वो बोल्ड हो जाए, किसी का कोई टूल यूज करना चाह रहे हैं, कोई इमेज साथ सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप लगा सकते हैं। ये देखें लिखा हुआ है अपलोड, तो हम जो है वो यहाँ से कोई इमेज वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह मैं जो है ये फेसबुक के साथ ऐड कर लेता हूँ, तो ये देखिए फेसबुक की ऐड हो गई। आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और अपलोड एंड इंसर्ट पे सिंपल क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर जो है वो मेरा सब्जेक्ट लिखा गया, नीचे आप जो है वो आपने लिखना है अपना मैसेज वगैरह, जिस तरह डिस्क्रिप्शन कहते हैं जिसे, वो आपने एंटर करनी है। एंटर करने के बाद यहाँ से आप कर सकते हैं कोई लाइनिंग करना चाह रहे हैं, कोई इस तरीके से लगाना चाह रहे हैं, वो आप इरेज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिस तरह ये देखा डेल, ये देखें जरा यू आर अबाउट टू डिलीट एमियन मन डिलीट, आप कर सकते हैं इसको। इस तरीके से आपने ये मैसेज को कंपोज करना है। इसके बाद है सेंड एंड प्रीव्यू, आपने सिंपल करना है सेंड नो पे, गो बैक टू एडिटिंग कर सकते हैं। फिर आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ आपको लगता है कि एडिटिंग करना पड़ेगी, ये देखें साइन अप लगा सकते हैं। इसके बाद है डिज़ाइन, सब्सक्रिप्शन पेज है। अगर आप जो है वो इस तरह का डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि अगर चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो इस तरह का मतलब के शो हो जब हम मैसेज वगैरह सेंड करें, इसमें क्या है बैकग्राउंड है आपका, उसको ब्राउज कर सकते हैं। ये देखें जरा, जिस तरह मैं कोई भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ से पिक्चर्स वगैरह को ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा फॉन्ट्स है आपके पास, कलर्स है, व्यूज है, जिस तरह सब्सक्राइब व्यू है, मैं सक्सेस मैसेज कर देता हूँ, ईमेल एग्जिस्ट कर देता हूँ, इनवैलिड ईमेल एरर। इस तरीके से आप जो है वो सब्सक्राइब फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे साइन अप है, इस तरह का शो होगा हमारा पेज वगैरह। ये देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया बैकग्राउंड है, उसके बाद फॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं, हेडिंग्स है, कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें हेडिंग्स का कलर ये है, आप जिस तरह का मर्जी कर दें, देखिए कलर चेंज हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, बटन बैकग्राउंड है वो चेंज कर दें, सब्सक्राइब बटन है वो आप चेंज कर सकते हैं जिस तरह करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप जो है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद है कन्फर्मेशन ईमेल, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे नेम वगैरह लिखा था और ईमेल सब्जेक्ट का नेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था अपना नेम वगैरह, मैसेज इस तरह टाइप किया, उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, जिस तरह अपनी प्रोडक्ट कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं वो आप लिख दें। उसके बाद है कन्फर्मेशन पेज, कन्फर्मेशन पेज में ये है कि अगर आपको सब्सक्राइब बटन या कोई कन्फर्म जो हो रही है चीज़ वगैरह, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह ऑर्डर नो शॉप नो, इस तरह का पेज आप तैयार करके सेव मैसेज पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अनसब्सक्राइब पेज, वो भी आप यहाँ से सेम तरीके से जो है वो यहाँ से कर सकते हैं, डिज़ाइन वगैरह जिस तरह का आप चाहते हैं वो आप यहाँ से कंपोज करना। इसके बाद जो है वो आपने सिंपल कंपोज कर सकते हैं, सेंड एंड प्रीव्यू कर सकते हैं। तो और सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स हैं, ये देखें ऐड न्यू सब्सक्राइबर्स आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि इम्पोर्ट, अगर आपकी कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट पड़ी हुई है, इम्पोर्ट जिसे हम कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जिसमें आपकी ऑडियंस वगैरह मौजूद है, वो आप जो है वो यहाँ से जितनी आपकी ऑडियंस होती है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट में, एक फाइल हम क्रिएट करते हैं जिसे हम CSV फाइल कहते हैं, वो आपने सिंपल ब्राउज पे आके यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस तरीके से जो है वो इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट रेडी है। और इम्पोर्ट फ्रॉम Gmail, वो भी इसी तरह कनेक्ट करना होता है हमें Gmail को, तो गूगल वगैरह के साथ, तो इस तरह से जो है इम्पोर्ट गूगल हमारा Gmail वगैरह साथ अटैच हो जाएगी। एड सब्सक्राइबर्स है, इसमें जो है वो लिमिट आपके पास 5000 जो है सब्सक्राइबर पर अकाउंट आप जो है वो सेंड वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह आपके सामने ईमेल लिखी है, इस तरह आप ईमेल वगैरह लगा दें,
या आपके पास कोई कॉन्टेक्ट लिस्ट पड़ी है। जिस तरह इम्पोर्ट में ये होता है कि जितनी आपके पास इस तरह की ईमेल्स बनी होती है ना, जिसको आप सेंड करना चाह रहे हैं बिजनेस ईमेल, वो आपने सिंपल सेलेक्ट करनी है, ऐड टू लिस्ट कर देना, यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो आप ऐड सब्सक्राइबर वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद है सब्सक्राइबर लिंक है, शेयर वगैरह आप कर सकते हैं। ये कोडिंग है यहाँ पे HTML या वो कहते हैं CSS वगैरह। यहाँ पे सेंट है, जितना आपने सेंट वगैरह किया वो आप यहाँ से जो है वो देख सकते हैं, ये देखें। इसके बाद रिप्लाईज है, जितने आपको रिप्लाईज वगैरह आएंगे वो यहाँ पे जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्राफ्ट है, डिजाइन आप कर सकते हैं काफी तरीके से, तो काफी अच्छा टूल है टिनी। इसके बाद अगर आप जो है वो योर प्रोफाइल पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप जो देख सकते हैं, इसमें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह इंटीग्रेशन कहते हैं, वो अकाउंट जो है वो अटैच कर सकते हैं ट्विटर का इसके साथ। यूजर नेम है, फर्स्ट नेम है, स्ट्रीट वगैरह ऐड करना है, ये न्यूज़लेटर वो आपने ऐड करना है, अकाउंट की सेटिंग करनी है आपने। इस तरीके से आपने जो है वो सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम जो है वो कंपोज मैसेज किस तरह बना सकते हैं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सब्सक्रिप्शन पेज है, जिस तरह से हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप करके जो है वो मार्केटिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं इस वेबसाइट। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगेगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।